संतोष पांडे को दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। पांडे पिछला चुनाव लगभग 1,12,000 मतों से जीते थे। बताते हैं कि वह बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता संतोष पांडे ने कहा कि मुझे जो मौका मिला है उसके लिए मैं राजनांदगांव के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने हमेशा मेरे काम का समर्थन और सराहना की है। मैं इस सौभाग्य के लिए अपने राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साह वर्धन किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे कामों का उन्होंने सब प्रकार से बढ़ाई की आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिए। जीत का मंत्र तो केवल एक ही है, वह है मोदी का मंत्र। जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो पर्याप्त है। जो काम 500 साल में नहीं हुआ, 1860 के CRPC, IPC, अनेक नामों को, श्रद्धा केंद्रों को, हमारे ऐसे श्रद्धा के बिंदुओं को जिन्होंने सब प्रकार से सम्मान देने का काम किया, धारा 370, 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो रेलवे में काम हुआ है स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं हुआ है, जितनी स्टॉपेज हुई है, जितने जिस प्रकार से अमृत स्टेशन बने हैं और जिस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जनता इसको देख रही है, उसके आधार पर ही वोट मिलेगा।